अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और देख सकते हैं ये 10 नंबर गेट है गरीब नवाज़ की दरगाह शरीफ में जाने का। और आज मैं यहाँ से ब्लॉग अपना शुरू कर रही हूँ, तो देख सकते हैं ये 10 नंबर गेट से मैं चल रही हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और आज मैं 10 नंबर गेट की भी आप लोगों को ज़्यारत करा रही हूँ। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, मैं आ चुकी हूँ अंदर की तरफ। देखिए 10 नंबर गेट से आने के बाद में देख सकते हैं आप लोग कहाँ का मंजर सबसे पहले दिखता है। ये देखिए शाहजहानी मस्जिद के पास से गुंबद शरीफ का नज़ारा जो है सबसे पहले नज़र आ रहा है। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी मगरिब की नमाज के बाद का ये खूबसूरत सा मंजर है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर ये सामने जो है लंगर की लाइन लगी हुई है। और मैं अभी आप लोगों को लेकर चलती हूँ सबसे पहले शाहजहानी मस्जिद के। देखिए आज मैं आप लोगों को इधर से ही ज़्यारत कराते हुए फिर चलूँगी, क्योंकि मैं 10 नंबर गेट से आई हूँ। यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले आप लोगों को शाहजहानी मस्जिद का मंजर ही देखने को मिलता है। तो आज मैं इसी तरफ से आप लोगों को ज़्यारत कराने के लिए चल रही हूँ। और प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आज का माहौल आप लोग देख पाइए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैं शाहजहानी मस्जिद की सीढ़ियों पे यहाँ खड़ी हूँ एक दरवाजे के पास में। और देख सकते हैं यहाँ पे चादर शरीफ जो है पेश होने के लिए जा रही है। तो यहाँ का मंजर आप लोग देख सकते हैं। और सामने जो है 4 नंबर गेट है, इधर का भी माहौल आप लोग पूरा देख सकते हैं। देखिए पूरा नज़ारा देखिए आप लोग। और ये देख सकते हैं आप लोग चादर शरीफ जो है, जो जहाँ मैं खड़े हुई यहाँ से गुजर रही हूँ। और देख सकते हैं काफ़ी लंबे चादर शरीफ है। तो मैं इधर से भी थोड़ी सी चादर शरीफ को चुम करके फिर हम लोग चलते हैं गरीब नवाज़ की 2 नंबर गेट की तरफ, और उधर का माहौल आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग 4 नंबर गेट से मैं आगे की तरफ बढ़ चुकी हूँ। और देखिए आगे है जन्नती दरवाज़ा, मैं सामने से आप लोगों को ज़्यारत कराती हूँ। देखिए ये है जन्नती दरवाज़ा, ज़्यारत कीजिए आप लोग। और इसके आगे जो है जायरीन हज़रात यहाँ पर देख सकते हैं कि हाजिरी वाले सारे लोग जो जालियों के पास में बैठे हुए हैं। और अब जो है मैं आ चुकी हूँ 3 नंबर गेट के पास में। और ये आ चुकी हूँ मैं 3 नंबर गेट के पास से। और यहाँ से मैं चल रही हूँ 2 नंबर गेट के पास में। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा यहाँ का माहौल और मंजर है। पूरी कव्वाली की महफिल जो है सजी हुई है। आप लोग जो है 2 नंबर गेट है ये, जिस गेट के सामने ही कदम बोसी होती है, देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जो है सलाम कर लीजिए, दुआ कर लीजिए। मैं ज़्यारत करा रही हूँ आप लोगों को सामने से। ये देखिए 2 नंबर गेट है, जिस गेट के बिल्कुल सामने कदम बोसी होती है। थोड़ा सा मैं जूम की हूँ, तो यहाँ पे आप लोग सलाम कर लीजिए, दुआ कर लीजिए। और देख सकते हैं इधर से मैं चल रही हूँ आप लोगों को। और देखिए यहाँ पर जो कवाली हो रही है, मैं सामने से आप लोगों को ज़्यारत कराती हूँ मंज़र। और देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल मैं सामने आ चुकी हूँ। यहाँ से कवाली की आवाज़ जो है बिल्कुल आपको क्लियर सुनने के लिए मिलेगी। तो थोड़ा सा और आगे मैं चलती हूँ, फिर आप लोग देखिए पूरा मंज़र। और 2 नंबर गेट का मंज़र आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ यहाँ पे जो झालरे के ऊपर ये वजू खाना है, इसकी ज़्यारत कराऊँगी। यहाँ से लंगर खाने का जो माहौल है वो आप लोगों को दिखाऊँगी, फिर आप लोगों को 1 नंबर गेट की तरफ मैं लेकर चलूँगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग झालरे के ऊपर जो लंगर खाना है, वो लंगर खाने का ये मंज़र है। और देख सकते हैं यहाँ पे आज लाइन जो है
और ये जो लाइन लगी है ये वहाँ पर लंगर बिठा कर खिलाया जाता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहीं से जूम करके दिखाती हूँ, और इसके अंदर का भी एक दिन मैं बैठ करके आप लोगों को माहौल पूरा दिखाई थी। तो यहाँ पर जो है लंगर बिठा कर खिलाया जाता है, और इधर की तरफ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये तो हो गई ये लंबी सी लाइन, और इधर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है लंगर रखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग खीर रखी हुई है, और यहाँ पर जो है काफ़ी लंबी सी लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पर जो है लंगर अभी बटेगा, और देख सकते हैं आप लोग जैसे ही मैं यहाँ से बाहर आई थी, देखिए खूबसूरत सी चादर शरीफ जो है पेश होने के लिए जा रही थी। देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं आप लोग लंगर खाने की तरफ से आ रहा हूँ यहाँ से शाहजहानी मस्जिद। तो देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ एक नंबर गेट की तरफ में, और यहाँ से पूरा नज़ारा देखते हुए चलिए आप लोग। देखिए जो नज़ारा आप लोग को दिख रहा है ना, ये एक नंबर गेट के पास का है, और अभी इधर से दरवाज़ा है, उसी दरवाजे से मैं अंदर की तरफ चलूँगी और पूरा मंजर दिखाऊँगी। देखिए ये दरवाज़ा है, और यहाँ से मैं अंदर आ चुकी हूँ। सबसे पहले आने के बाद एक तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पर औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह है, और इधर में भी नमाज इबादत की जगह दी गई, और ये जगह जो है ना पूरी एक नंबर गेट के पास की बहुत ही खूबसूरत है, और इस जगह को अहाता नूर भी कहा जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग मैं आ चुकी हूँ, और बिल्कुल आप लोगों को करीब लेकर चलती हूँ। ये देख सकते हैं इधर में चिराग रोशन होता है। मैं सबसे पहले आप लोगों को सामने से ज़ियारत कराती हूँ। ये देखिए मेन दरवाज़ा है करीब नवाज़ की दरगाह शरीफ में जाने का। यहाँ पर आप लोग सलाम भी कर लीजिएगा, दुआ भी कर लीजिएगा। मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों की तरफ से सलाम करके दुआ करके बना रही हूँ। देख सकते हैं अंदर का नज़ारा, मैं थोड़ा सा जूम की हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि इस तरफ से मैं आप लोगों को पूरा मंजर दिखा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है एक नंबर गेट के पास का, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ से पूरा एक नंबर का गेट देखिए, और सामने जो इधर देखते हैं आप लोग ये है संदली मस्जिद, और आज मैं इधर से आप लोगों को लेकर चल रही हूँ। देखिए यहाँ से मैं सीधे चार नंबर गेट के पास जाऊँगी। ये देखिए जो अंदर का नज़ारा देख रहे हैं आप लोग ना, ये संदली मस्जिद है, और यहाँ मैं साइड से निकल रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग, देखिए बिल्कुल यहाँ पर आ गई मैं चार नंबर गेट के पास। ये बिल्कुल आसान सा रास्ता है इधर से जाने का, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए ये है चार नंबर गेट, जिस गेट से सीधे बाहर की तरफ आते हैं। ये देखिए सामने से देखिए चार नंबर गेट को आप लोग, प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, ताकि आप लोग पूरा माहौल जो है अच्छे से ज्यारत कर पाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग ये है बाबा फरीदुद्दीन का चिल्ला शरीफ सामने जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, और सामने वाले दरवाजे से मैं बाहर की तरफ चलूँगी अभी। तो ये देख सकते हैं आप लोग ये जो ये सामने जो आप लोग नज़र आ रहा है बीबी साहिबा का मजार शरीफ था, और ये दरवाजे से मैं बाहर की तरफ चल रही हूँ। भीड़ भाड़ आप लोग देख रहे हैं काफ़ी है यहाँ पर, और देख सकते हैं ये बाहर वाला वजू खाना है। ये देख सकते हैं आप लोग बाहर वाला वजू खाना है, इसकी ज़ियारत करते हुए चलिए। महफिल खाने की सीढ़ियों पे ज़ारे नजरात बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो लंगर खाने का तीन नंबर गेट है, वहाँ पे जब मैं आई थी तो लंगर की काफ़ी लाइन लगी हुई थी, अभी पता नहीं है कि नहीं है, मैं चल करके देखती हूँ। और यहाँ से वो दरवाज़ा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कभी कभी मैं इस तरफ से आप लोगों को एक नंबर गेट की तरफ जब सबसे पहले लेकर जाती हूँ तो इसी दरवाजे से लेकर जाती हूँ। देख सकते हैं आप लोग सामने में गुंबद शरीफ दिख रहा आप लोगों को ऊपर, और दरवाज़ा है, और ये तीन नंबर गेट लंगर खाने का, वहाँ पर भी बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, लंगर जो है बढ़ चुकी है। और देख सकते हैं आप लोग इधर में छोटी देग है जिसका धुआं आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर जो है आग जल रही है, अभी लंगर उसके अंदर जो है बन रहा है। और ये देख सकते हैं आप लोग बुलंद दरवाजे के पास में आ चुकी हूँ, यहाँ से आप लोगों को निज़ाम गेट तक लेकर चलूँगी ताकि जो माहौल है आप लोग देख पाएंगे। तो आज जो है मैं अपना ब्लॉग यहाँ से शुरू नहीं की थी, मैं 10 नंबर गेट की तरफ से शुरू की थी। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी कमी लगे तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग देखते हैं तभी मेरा भी दिल करता है वीडियो बनाने का, और अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता है बनाने का। तो प्लीज़ आप लोग जो है ब्लॉग देखा कीजिए और कमेंट किया कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। रात का ब्लॉग आप लोगों को सुबह ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है टाइम पे अपलोड नहीं हो पाता है, इस वजह से रात का ब्लॉग आप लोगों को सुबह ही देखने मिलेगा, और सुबह जो ब्लॉग बनाऊंगी वो रात को देखने के लिए मिलेगा।